हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले बिकोसुल जेड कैप्सूल के बारे में। बिकोसुल जेड कैप्सूल क्या है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन डाल गई और किस प्रकार काम करता है, इसका डोज डोसेंस कितना होना चाहिए। तो बिकोसुल जेड कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो भी पहली बार विजिट किया, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं बिकोसुल जेड कैप्सूल, जो कि हमारे पास 20 गोली का कैप्सूल है, जिसकी एमआरपी की बात करें, इसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास कैप्सूल है उसकी एमआरपी 50 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। बिकोसुल जेड कैप्सूल को फाइजर लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। बिकोसुल जेड कैप्सूल के अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं बी कॉम्प्लेक्स फोर्ट विथ विटामिन सी एंड जिंक इसके अंदर डाले गए हैं। बिकोसुल जेड कैप्सूल के अंदर ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं थायमिन्स, मोनोनाइट्रेट्स, रेबोफ्लेविन्स, पाइरोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड्स, विटामिन B12, नियासिनामाइड्स, कैल्शियम, पेंटोसिनेस, फोलिक एसिड्स, एस्कोर्बिक एसिड्स, बायोटिन्स, जिंक सल्फेट्स, मोनोहाइड्रेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। बिकोसुल जेड कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल बिकोसुल जेड कैप्सूल एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से है। इसके अंदर मल्टी विटामिन जिंक डाले गए हैं, जो कि इम्प्रूव करते हैं ओवरऑल हेल्थ को, और ये मेटाबॉलिज्म करते हैं और रिपेयर करते हैं टिश्यूज को, और ये हेल्प करते हैं फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, और ये इम्प्रूव करते हैं इम्यून फंक्शंस में। बिकोसुल जेड कैप्सूल का इस्तेमाल ये जीभ और मुंह के दर्द को ठीक करने में मदद करता है। यानी कि अगर आपके जीभ पे या मुंह में कुछ अल्सर यानी कि चाले टाइप हो गए तो उसको ठीक करने में ये मदद करता है। ये बालों, त्वचा और नाखूनों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ये बॉडी में आयरन के अवशोषण में सुधार करता है और कोलेजन संश्लेषण को बढ़ावा देकर घावों को भरने में मदद करता है। ये मुक्त कणों के कारण ऑक्सीडेटिव तनाव को रोकता है। ये बालों के रोमों को पर्याप्त पोषण तत्व प्रदान करता है और बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है, और ये इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशंस और ऑक्सीजन सेचुरेशंस में। इसके अंदर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहता है, जो कि ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के टूटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक विटामिन सी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बॉडी के ऊतकों का विकास और वृद्धि और मरम्मत करता है। बिकोसुल जेड कैप्सूल का इस्तेमाल मुंह में होने वाले छाले यानी कि अल्सर के इलाज के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कैप्सूल का इस्तेमाल बॉडी में विटामिन बी और विटामिन सी और जिंक की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। बिकोसुल जेड कैप्सूल ओवरऑल हेल्थ को हेल्थी करके रखता है। बिकोसुल जेड कैप्सूल का डोज डोसेंस की बात करें तो इसका डोज डोसेंस पेशेंट्स की एज, वेट और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट्स की एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशन कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज डोसेंस कितना होना चाहिए। उसका डोज डोसेंस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। बिकोसुल जेड कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अपनी मन से बिकोसुल जेड कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो बिकोसुल जेड कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बिकोसुल जेड कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।